सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए सो दैट आपको रेगुलर मेरे अपडेट्स भी वहां से मिलते रहेंगे। आज का सेशन रहेगा वो तीन मेन प्रॉब्लम्स, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन रेगुलर बेसिस पे क्यों हो रही है और ज्यादातर अननोन लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर कोई इंसान एक सिचुएशन में सही बोल रहा है, फैमिली मेंबर्स के साथ सही है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब अननोन के सामने कुछ बोलना पड़ता है तो वहाँ हेजिटेशन, आप लोग बोल सकते हैं कि सर हेजिटेट होता हूँ मैं, मुझे शर्म आती है, या मैं अगर स्टैमरिंग वाला है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं अटक अटक के बोलता हूँ, हकलाने वाला है तो सर मैं बोलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, फिर बोलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, और मिस आर्टिकुलेशन वाला है मैं सर कुछ बोलता हूँ, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन अक्षर की साउंड कुछ और निकल रही है। मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमें अपनी जो नॉर्मल जर्नल स्पीकिंग की जो स्पीड का लेवल है जो नॉर्मल होना चाहिए था कंट्रोल में नहीं है और हमें खुद को आइडिया नहीं पता लगता वो स्पीड रखनी क्या है और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको किस वे के अंदर बोलूँ और उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका कोई वर्कलोड का स्ट्रेस है या कोई आपका एग्जाम का स्ट्रेस है या कोई आपका कैरियर का स्ट्रेस है, मतलब कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, कई बार तो इंसान भूल भी जाता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है और ये भी भूल जाता है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैंने सोचा क्या था और मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ डिपेंड करती है आपके नॉर्मल स्पीड पे। नॉर्मल स्पीड का मतलब ये होता है जिसके अंदर आप बिना रुके अपनी बात को लगातार बोल पाए विद फ्लो एंड क्लैरिटी। स्पीड नॉर्मल रहेगी तो कभी भी क्लैरिटी का इशू नहीं आएगा। सेकेंडली, मैं जिस वॉल्यूम के अंदर बोल रहा हूँ अगर अपनी बात सामने वाले को एक बार में नहीं समझा पा रहा तो कॉन्फिडेंस वहां लूज होगा। अगर सामने वाले ने ये पूछ लिया कि भैया एक बार दोबारा बताओ तो खुद को डाउट हो जाएगा, इसका मतलब मैंने पहली बार में सही नहीं बोला। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे ठीक होना है, परमानेंटली क्योर होना है, हम सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन देते हैं। अब लोग पूछते हैं कि एक ऑनलाइन सेशन में क्या फायदा होगा आपको? एक ऑनलाइन सेशन में आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी, उस चीज का रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे कि आप ठीक कैसे हो सकते हो और उसका रीजन क्या है, वो किस वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुई है किस वजह से हुई है, वजह को ठीक कर लो, प्रॉब्लम आपके कभी भी लाइफ टाइम में रिपीट भी नहीं होगी। लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और हम सबको 1 वीक के लिए अपनी तरफ से हेल्प देते हैं जो हमसे एक ऑनलाइन सेशन लेता है। सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन के साथ 1 वीक की आपको हेल्प भी दी जाती है, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, हैप्पी टू हेल्प यू। लोग ठीक होते रहे, हमारा मोटिव यही है वीडियो बनाने का, मैक्सिमम लोगों तक अपनी हेल्प को पहुंचाना विद मिनिमम आपका मतलब समय लेके, मतलब। और जो लोगों का माइंड वॉश हो रहा है आज की डेट में कि आप इतने सेशन, इतने महीने, इतने साल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 1 मिनट में, उस 1 मिनट ही काफी होता है अपनी गलती को समझने के लिए। अगर मैं आपको गलती ना समझाऊं, मैं अभी बोलूं 1 महीना सेशन लेना पड़ेगा, नहीं, वो चीज गलत है। जो गलत है तो गलत है, हम डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आनी, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।